नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किशनगढ़ के प्रसिद्ध खेर माता मंदिर में की गई युवाओं एवं बुजुर्गों की बैठक। बिजावर अनुभाग के अंतर्गत आदिवासी बहुमूल्य किशनगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध देवी खेर माता मंदिर में क्षेत्र के युवा एवं बुजुर्गों द्वारा की गई बैठक में क्षेत्र में चल रही गतिविधियों एवं शासकीय योजनाओं पर सभी लोगों ने अपने अपने गांव की समस्या रखी। देश में चल रही जातिवाद पर रोक लगाने के लिए किशनगढ़ क्षेत्र के सभी वर्गों से युवा हुए एकत्रित बैठकर उस पर किया चिंतन एवं बैठक होने के बाद आगामी 6 मार्च को समरसता बोध कार्यक्रम करने का सभी लोगों ने लिया निर्णय, जिसमें चल रहे जातिवाद में बंटवारा ना हो सके, हम हिंदू सब एक हैं। इस बैठक में शामिल रहे पंडित श्री गोविंद धत्रा जी, रायपुरा दरबारी आदिवासी टपरा हल्के अहिरवार रायपुरा, अरुण मिश्रा आदि कई लोग उपस्थित रहे। आज जो आप लोगों ने यहाँ बैठक की है वो किस संबंध में की गई है? आज बैठक आगे होने वाली 6 मार्च को कार्यक्रम समरसता कार्यक्रम हम लोग सब करवा रहे हैं और क्षेत्र के किशनगढ़ क्षेत्र के सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि सभी वर्गों के, सभी जातों के। हम लोगों ने सोचा इस क्षेत्र में जो चल रही गतिविधियाँ उन पर थोड़ी विचार किया और आगे 6 मार्च को हम लोग सब इकट्ठे होकर यहाँ पर समरसता का आयोजन करेंगे। वो आपका कार्यक्रम कैसा होगा, छोटे रूप में होगा नहीं, या वो किसी बड़े कार्यक्रम? आज उसके संबंध में मीटिंग की है हम लोगों ने और मीटिंग के बाद अब सब लोगों ने बना लिया किसका क्या क्या काम है। आगे हम लोग 6 तारीख को बड़ा भव्य कार्यक्रम लेके उतरेंगे। इसमें क्या आप क्षेत्रवास के लोग जुड़ेंगे या किसी को आमंत्रित किया जाएगा? नहीं, हम लोग आमंत्रित करेंगे जो भी अपने क्षेत्र के, जैसे विधायक जी हैं और भी जो लोग आना चाहते हैं। आज किस उपलक्ष्य को लेके कार्यक्रम रखा गया है, आज किस चीज़ की बैठक हुई है? हमारे यहाँ पर जो खेर माता मंदिर है यहाँ पर नगदा रोड पर, किशनगढ़ क्षेत्र के युवा एवं बुजुर्गों द्वारा एक बैठक की गई, उस पर जो चिंतन किया गया कि यहाँ पे जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर चिंतन किया गया और आगामी 6 मार्च को यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।